हेलो एंड वेलकम टू ESPN क्रिकेट फॉर क्रिकेट बाजी। मेरे साथ दीप दास गुप्ता, और आज मेरे साथ जो शख्स हैं जिनके साथ मैं बात करूंगा, उनको मैं काफी सालों से जानता हूं, उनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किया हुआ है। मेरे हिसाब से वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर हैं, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर्स आई हैव एवर सीन, अभी तक पता लग गया होगा आपको, रिद्धिमान साहा। हेलो एंड वेलकम रिद्धि। हेलो, हाय हाय, कैसे हो, सब ठीक ठाक? एकदम चल रहा है, बढ़िया। लॉकडाउन में जितना मतलब घर में तो सभी है ऑलमोस्ट, उसमें से चल रहा है फैमिली के साथ। इतना लॉन्ग टाइम कभी स्पेंड नहीं किया। अभी वो सिचुएशन आया जब घर के लोग बोलने लगे आप निकलो, बहुत दिन हो गया। अब निकलो, हाँ बहुत दिन हो गया, अभी जाओ। नाइस नाइस, तो शुरुआत वहीं से करते हैं कि क्रिकेट कैसे कैसे शुरुआत हुआ, क्रिकेट का, स्पोर्ट्स का किस तरीके से शुरुआत हुआ आपके करियर में? एक्चुअली मैं जब छोटा था तब देखते थे कि पापा और मतलब फैमिली में पापा चाचा सबको ये खेलते थे, और उस टाइम में क्रिकेट फुटबॉल का सीजन अलग था, तो क्रिकेट टाइम में क्रिकेट खेलते थे और फुटबॉल टाइम में फुटबॉल। पापा मेरा फुटबॉल में गोलकीपर और क्रिकेट में विकेट कीपर था, तो उधर से ही शौक लगा मुझसे मतलब मुझे। तो उसके बाद भैया भी मोहल्ले में खेलते थे तो मैं भैया के साथ जाता था, तो उधर से स्टार्ट हुआ। उसके बाद धीरे धीरे जब मैं अराउंड 12 ईयर का था तो उधर एक कोचिंग कैंप खुला था जो ज़्यादा दिन चला नहीं था। मैं पहले विकेट कीपर नहीं था तो मीडियम पेस बॉलिंग करता था। उससे पहले जो टेनिस टेनिस में मैच होता था तब मैं मीडियम पेस बॉलिंग, और हर जगह जो टूर्नामेंट वगैरह होता था बेस्ट फील्डर का अवार्ड मुझे ही मिलता था। तो उधर एक दिन कोइंसिडेंट तो 5 विकेट कीपर या 6 विकेट कीपर था, तो एक दिन कोई भी नहीं आया, तो किसी ना किसी को तो बॉल पकड़ना ही है, और नहीं तो बॉल वॉल में जाके लगेगा, बॉल खराब हो जाएगा। तो मैं उस दिन ग्लव पहना और पीछे चला गया, तो सभी कैंप नया खुला था, सारे बच्चे नए थे, तो मैक्सिमम बॉल बैट्समैन मिस कर रहे थे, कुछ कैचेस भी पकड़े, तो मुझे मजा आया। तो पापा से पूछा कि मुझे मजा आया क्या करेंगे। पापा बोला कि और 2-3 दिन कर ले, ऐसे नहीं कि एक दिन मजा आया बाकी मजा नहीं आया। तो 2-4 दिन और किया लगातार, तो उसमें मजा आया, तो उसके बाद से मैं शिफ्ट हो गया कीपर में। राइट, वाओ। तो मैं ऐसे पूछ रहा था लोगों से कि आपका पहली बार कब लोगों को लगा कि रिद्धिमान इज सच अ गुड विकेट कीपर, तो मुझे किसी ने कहा था कोई चैरिटी मैच, डबल विकेट चैरिटी मैच हुआ था सिलीगुड़ी में, जहाँ पे दादी अजन सौरभ वगैरह सब खेलने गए थे। हाँ। वहां पे किसी और कीपर का जाना था लेकिन वो नहीं पहुंच पाए थे, तो आपने कीपिंग की थी, तो कुछ यादें उस मैचेस से और कैसा था वो ब्रेक पहला आपके लिए सबके सामने, इतने बड़े बड़े नाम के सामने? नहीं, एकदम जो हम लोग जो कीपर या जो फील्डिंग करने वाले प्लेयर्स थे, तो हम लोगों का जो सिलीगुड़ी में 2-3 क्लब है उधर से पिक किया, तो कीपर्स में 1-2 कीपर थे और मैं भी था। तो उस दिन जो वही आने वाला था प्रॉपर नहीं आया, और मुझे मौका मिला, ऐसे नहीं कि उससे पहले जो क्लब में मुझे पूछा गया कि जी अगर कर बॉलिंग डालेगा, श्रीनाथ बॉलिंग डालेगा तो पकड़ पाएगा, मैं बोला हाँ क्यों नहीं पकड़ पाऊंगा। तो मुझे पता नहीं था कि वो लोग तेज नहीं डालेंगे, तो डबल विकेट में एकदम 2 कदम में आके डाला, तो ये तो आँख बंद करके मैं पकड़ ले रहा था, तो मैं सोचा कि जो मैच में डालते थे वैसे ही डालेंगे, मगर वैसे हुआ नहीं, एकदम जाके उल्टा ही लगा। तो उधर मजा आया, और सबको मैं टीवी में देखता था, तो उधर जाके एक इंसिडेंट भी हुआ, बताता हूँ। तो उधर दादी शायद देवांग गांधी के साथ पार्टनर थे ऐसे, या स्नेहाशीष के साथ पार्टनर थे जैसा, तो उधर मैं कीपिंग कर रहा था, दादी पीछे से बोल रहा है मुझे अगर सपोर्ट किया मिस किया तो छोड़ देना, स्टंपिंग मत करना ऐसे, क्योंकि मुझे देखने के लिए लोग आया है, ऐसे आउट नहीं होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हुआ था। 13-14 साल की उम्र से ही आप घर से बाहर रहने लग गए थे क्रिकेट के लिए कोलकाता में, फैमिली से दूर रहना, और तब ऐसा भी नहीं था कि फोन उतना ज्यादा भी नहीं था, अभी तो जैसा फोन हो गया कि उठाओ फोन कर दो, तो कितना मुश्किल था तब? तब आउटगोइंग कॉल में भी चार्जेस लगते थे, इनकमिंग में भी लगते थे, तो मगर मेन चीज वही था कि मैं खेलने के लिए पढ़ाई में उतना ध्यान दे नहीं पाया, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे मेरा जो कैरियर पापा ने या मम्मी और भैया ने पहले बोला था कि कलकत्ता में जाके कुछ नहीं होगा तू पढ़ाई कर, मगर पापा का विश्वास था कि मैं कुछ कर पाऊंगा, तो पापा ऑलवेज पीछे लगे रहते थे। उसके बाद भैया भी बोला कि हाँ कुछ अगर तेरा अगर कुछ नहीं होगा तो मैं हूँ, कोई टेंशन नहीं है तो खेलते जा।
चलो उसके बाद 2006 में अभी भी मैं मुझे याद है कि एक पतला सा फिट सा लड़का आया बंगाल नेट्स में, अंडर 22 बंगाल उस साल जीता था, एंड आई सॉ यू फर्स्ट टाइम, आई वाज लाइक यार ये हाई स्टैंड करने भी था बंगाल के लिए मैं, राइट। तो देख के लगा कि यार ये कमाल का विकेट कीपर है। देन ऑब्वियसली 2007 आपका डेब्यू फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, और पहले मैच में 100, जैसे पहले मैच में आपने 100 किया तो कभी ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उतना भी मुश्किल नहीं है? नहीं, उससे पहले मैं तो 2-3 साल टीम के साथ आपकी आप ही कीपिंग कर रहे थे, मैं एज ए सेकेंड विकेट के बाद 2-3 टूर मैंने किए थे, तो जब मौका मिला मुझे उससे पहले जो टीममेट्स थे तो सब कोई ऑलमोस्ट जान पहचान वाले थे, 2-3 हमें 22 के भी थे, उससे पहले 2-3 टूर किया फ्रेंडली टूर उधर भी साथ में थे, तो उसके बाद जो ऑफिशियल थे कुछ कुछ ऑफिशियल थोड़ा ऐसे बात किया था कि बहुत टफ है ऐसे कुछ, मतलब डराने के लिए कि तू आराम से खेलना, ज्यादा डराने के लिए, मगर मैं वही सोचा कि इतना देर में अगर आ सकता हूँ या फ्रेंडली मैच में मैं अच्छा कर सकता हूँ तो इधर क्यों नहीं, राइट। फिर 2007 के बाद 2010 अनबिलीवेबल, राइट, आप टेस्ट स्क्वाड में थे, हाँ, फिर नहीं खेल रहे थे, रोहित फुटबॉल खेलते हुए एंकल मुड़ा और यू मेड योर टेस्ट डेब्यू एज अ बैट्समैन, है ना। तो सबसे पहले मुझे वो सीक्वेंस बताओ कि वो सवेरे हुआ क्या था, वो टॉस के पहले आधा एक घंटा कैसा था वो? जब टूर में मैंने गया नागपुर में, तब गैरी कैसल मुझे पहला दिन ही प्रैक्टिस में बता दिया कि जो 2 या 3 दिन का प्रैक्टिस होने वाला है तू नहीं खेलने वाला है, क्योंकि MS धोनी है सबको पता है वही खेलेगा, तो तू तेरा प्रैक्टिस नेट बॉलर्स को लेके क्रिपिंग बैटिंग जो भी करना है कर ले, प्रॉपर नेट तुझे नहीं मिलेगा क्योंकि पहले प्लेयर्स बैटिंग करेंगे या नेट्स करेंगे उसके बाद, तो वो भी नहीं मिला, तो मैं 2-4 प्लेयर्स को लेके नेट बॉलर को लेके कीपिंग बैटिंग सब उसमें किया, और मैच वाला दिन सुबह जो वो टेनिस बॉल से हम लोग खेल रहे थे, फुटबॉल नहीं टेनिस बॉल से खेल रहे थे, वो टच आउट का गेम वाला, तो किसी ने मुझे मेरे पास मुझे बॉल फेंका तो मैंने पकड़ के मैं भी रिलीज करने वाला था उस टाइम में, रोहित पीछे से आके मुझे ही धक्का मारा, मेरे पे एंकल के साथ उसका जूता लगा, तो मेरा भी कट गया था पैर, मगर उसका देखा कि वो गिर गया और अंदर चला गया, तो अंदर चला गया तो ठीक है, मगर पता नहीं था कि इतना सीरियस है, तो उसके बाद मैंने बद्रीनाथ डेब्यू करा था उस मैच में, तो मैं सबको हेल्प किया, मुझे पता था कि मैं खेलने में नहीं वाला हूँ, पहले बॉलर्स का बॉल पकड़ा, माही भाई तो कोई बॉल बॉल पकड़ता नहीं थे, माही भाई का यूनिक है बॉल करते उल्टा, तो मैं बॉल पकड़ा, फिर बद्री को मैं बॉल फेंक रहा था, तब माही भाई साइड से जा रहे थे, तो बोला उंगली दिखा के साहा तू खेल रहा है, मैं सोचा कि ऐसे ही जोक कर रहे हैं, तो फिर से घूमा, फिर से बोला नहीं साहा तू सच में खेल रहा है, रोहित इंजर्ड है, तो मैं बोला कि मैं कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला, मैं फिर बद्री को बॉल फेंका, तब तक ऑलमोस्ट टॉस होने वाला था, फिर अंदर आया ड्रेस चेंज किया, तो मतलब प्रिपरेशन और थिंकिंग वाइज कोई मौका नहीं मिला कि कैसे फेस करना है प्रॉपर, जो हम लोग का टीम में बॉलर्स थे ईशांत श्रीशांत तो उन लोगों का नेट में खेलने का मौका नहीं मिला, कोई स्पिनर को खेलने का मौका नहीं मिला, डायरेक्ट जाके डेलस्टेन और मॉर्टल को खेलने का मौका मिला। उसके बाद एक जो लगभग 4 साल में एक टेस्ट मैच आपने खेला है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कहीं ना कहीं आप देखो तो चलिए जब मैं खेल रहा था MSD तब आए थे, मुझे पता था कि MSD खेल जाएंगे, मतलब मेरा करियर उसके पहले खत्म होगा 100%, लेकिन आपका अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम चल रहा था MSD के साथ, है ना, कि लगभग थोड़े से 2 साल आप जूनियर हो और उतना ही था फर्क, जो आप जब MSD खेल रहा था ये तो था कि ही इज नंबर वन, तो उस टाइम पे वो 4 साल हाउ डिड यू स्टे फोकस्ड और किस तरीके से आप अपने आप को मतलब मोटिवेट करते थे कि नहीं मैं खेलूंगा, या कभी वो दिमाग में था कि खेलना है, या यू वर जस्ट लाइक मुझे बस अपना काम करना होगा तो होगा देखा जाएगा? ना एकदम जैसे मैंने बोला कि जब जो मेरा टेस्ट डेब्यू है मुझे पता नहीं था, तो उसके बाद से मेरा थिंकिंग भी वैसे हो गया कि हमेशा मैं खेलूं या ना खेलूं प्रिपरेशन हमेशा 100% रहना है मैच की जैसा, क्योंकि अगर खेल नहीं रहा हूं मुझे पता है कि धोनी भाई खेलेगा तो प्रिपरेशन मैं नहीं करूंगा, अचानक मैच डे सुबह मुझे पता चला कि माही भाई के हाथ में या कमर में कुछ दिक्कत हो रहा है तो उधर जाके मुझे फंस ना जाऊं, इसलिए
प्रैक्टिस हमेशा जब जब टीम प्रैक्टिस कर रहा था नेट में, मैं किसी को लेके या फील्डिंग कोच को लेके उधर कैचेस पकड़ना, नॉकिंग, थ्रो डाउन्स, या जब नेट में लास्ट में बैटिंग मिलता था करता था, तो प्रिपरेशन वाइज एकदम मैच खेल रहा हूँ वैसे ही दिमाग भी वैसे ही काम करता था मेरा तो. और ऐसे डिमोरलाइज कभी हुआ नहीं कि प्रैक्टिस करने के बाद भी मुझे मौका नहीं मिल रहा है धोनी भाई को. मतलब कोई कोई ऐसे सोचता है कि उसको क्यों चोट नहीं लगता, तो मैं वैसे सोचता नहीं हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि टीम के लिए जो अच्छा है वो पहले है, मैं अपना टाइम के लिए वेट करूंगा, अगर टाइम मेरे पास आएगा तो मैं उसमें कैपिटलाइज करने का कोशिश करूंगा. तो वही थिंकिंग मेरा मतलब अभी भी है, वैसे ही है. आपका रिलेशनशिप विद एमएसडी, क्योंकि एमएसडी भी आपके जैसे काफी हद तक है जो ज्यादा नहीं बोलते हैं लेकिन कम बोलते हैं, और जितना बोलते हैं मतलब एकदम यू नो 100%. तो वो जो 4 साल आपने इतना करीब से बिताया उनके साथ, यू नो ट्रैवल वगैरह सब कुछ, क्या बता सकते हैं उनके बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में? वैसे माही भाई मतलब जब फ्री टाइम रहते कोई, मतलब अगर घर में रहते तो प्लेस्टेशन भी खेलते, तो उधर ज्यादा दिक्कत में रूम में जाके करता नहीं हूँ. मैं जब प्रैक्टिस में करता था तब जब बात करने का जब टाइम मिलता था गैप, मेरा ड्रिल या माही भाई का ड्रिल या कुछ भी प्रैक्टिस खत्म होने के बाद, या जब मैं 3 साल IPL में था, CSK में था, तो उधर भी मुझे बहुत मौका मिला. उधर में जाके भी बात किया कि जैसे हर कंट्री के हिसाब से कैसा प्रिपेयर रहना चाहिए, अगर मौका आए तो कैसे अप्लाई करना चाहिए एज ए कीपर भी, क्योंकि बाउंस भी डिफरेंट होता है इंडियन सॉइल और साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाउंस के हिसाब से. तो एज ए बैट्समैन और कीपर दोनों में भी कैसे अप्रोच करना चाहिए और कैसे सिचुएशन में कैसे अप्रोच करना चाहिए, वो मैंने बात किया. और दूसरों कीपर के बारे में कि वो कीपर ऐसा क्यों कर रहा है और आप ऐसा करते हो तो उसमें क्या लगता है कि आपको, मतलब मैं 2-4 क्वेश्चन भी ऐसे करता था कि मुझे जो लगता था कि दूसरे कीपर और माई विकेट कीपिंग में थोड़ा नेचुरल चीज माई विकेट कीपिंग में ज्यादा है, तो उसके ऊपर भी बात किया है. तो मेरा जो स्ट्रेंथ है उसके भी बात किया है. तो CSK में 3 साल और जो टीम के साथ मैंने ट्रैवल किया उधर बहुत सारे बात हुआ, तो उसके बहुत फायदा भी हुआ मुझे कीपिंग में भी और बैटिंग में भी. एक ना वो इमेज सा बन गया कि रिद्धिमान रेड बॉल क्रिकेटर है. हाँ, व्हाइट बॉल ठीक है IPL है लेकिन इंडिया वाला नहीं कंसिडर होते या व्हाटएवर, काफी साल हो गए आपको खेले हुए. तो क्या आपको, आप सहमत हैं ये इससे, इस माइंडसेट से, इस इमेज से कि नहीं सिर्फ रेड बॉल क्रिकेटर है? मगर मुझे बचपन से पसंद है शॉर्टर फॉर्मेट का रेड बॉल. मुझे अगर रैंकिंग वाइज देखा जाए तो T20 मेरा पहला पसंद है, वनडे सेकंड और टेस्ट थर्ड, मगर मौका मिल रहा है मुझे उल्टा. तो मेरा वही थिंकिंग हमेशा वैसे रखा हो कि जब जैसा कंडीशन में भी मौका मिले तो उसका टीम के लिए डिलीवर करना है. अगर अभी भी होप नहीं मैंने छोड़ा कि शॉर्टर फॉर्मेट में मुझे मौका नहीं मिल सकता है, तो प्रिपरेशन अगर जब भी वो टाइम आता है कि सिलेक्ट होने का कोई चांस बनता है, तो अगर आसपास कुछ मैच है तो मैं कोशिश करता कि उसमें अच्छा परफॉर्म करे, कि सिलेक्टर भी थोड़ा देखे हाँ इसमें अभी भी कैपेबिलिटी है, ऐसे नहीं कि वो छोड़ दिया है सिर्फ टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करता है, ऐसे नहीं. शुरू से ही कीपिंग वाज योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद बैटिंग? एकदम, मतलब अंडर 13 से मैं मतलब कीपिंग मुझे इतना पसंद था कि अगर नेट में जाके मुझे सिर्फ कीपिंग के लिए बोलेगा, बैटिंग नहीं करने के लिए मिलेगा, तो मैं उसमें खुश हो जाता था क्योंकि कीपिंग तो करने का मौका मिल रहा है. तो इसीलिए वो बचपन से सेट हो गया है. और ऐसे नहीं कि मुझे बैटिंग में मजा नहीं आता है, हाँ जब भी मेरा बैटिंग का मौका आता है या मैट में या प्रैक्टिस में, तो मेरा जो हर एक का एक डिफरेंट स्टाइल रहता है मतलब खेलने का टेक्निक वाइज, तो मैं वो टेक्निक को बैक करता हूँ. ऐसे नहीं कि मैं हर शॉट खेलता हूँ, मैं 3-4 शॉट ही खेल मतलब प्रिपेयर करके रखता हूँ कि ये मैच के लिए मैं ये 3-4 शॉट रेडी रखूंगा, अगर जैसे मैच के हिसाब से आएगा तो वो अगर चेंज करने का कोशिश है तब करूंगा. ऐसे नहीं कि पहले से 10 टाइप का शॉट खेलूंगा, ऐसा सोचा नहीं कभी. 3-4 शॉट को लेके जाता था मैच में और उसके हिसाब से डिलीवर करता था. तो ज्यादा सिंगल के ऊपर मैं डिपेंड ज्यादा करता हूँ कि शॉट सिंगल्स. राइट रिद्धि, और एक चीज जो जो मैं काफी मर्तबा सुनने में आया है कि टेस्ट मैच में अगर इंडिया में हो तो रिद्धिमान भी, क्योंकि इतना अच्छा कीपर है, चाहिए, लेकिन जैसे ही देश के बाहर जाते हैं तो जहां पे एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने की जरूरत होती है तब कहते हैं नहीं, उतना डिपेंड नहीं कर सकते उनके बैटिंग के ऊपर. देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट, ऐसा सोचते हैं. तो आप कितना अग्री करते हैं उस बारे में? मैं मतलब कोई कभी भी मैं टीम मैनेजमेंट के डिसीजन को लेके छेड़खानी कभी भी नहीं किया. तो अगर जैसे मेरा जो रोल है, अगर मुझे
अब्रॉड में या देश में कभी भी खेलने का मौका मिलेगा तो मैं अपना 100% दूंगा, और वो भी टीम डिसीजन है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, मगर हमेशा वही चाहता हूँ कि मेरे जगह जो भी खेले वो टीम के लिए अगर हेल्पफुल रहा तो वो मेरे लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, कि ऐसे नहीं चाहूंगा कभी कि मेरे जगह वो खेल रहा है वो खराब करे तो मुझे मौका मिलेगा, तो ऐसे सोचता नहीं हूँ मैं। और अगर वो टीम का थिंकिंग है कि मुझसे अच्छा वो है तो वो डिलीवर कर रहा है तो ठीक है, उसमें फेयर एंड ऑफ कि दिक्कत नहीं है। टॉकिंग अबाउट कोई बैटिंग और कीपिंग का, कितना अहम हो गया है फॉर अ विकेट कीपर टू बी अ गुड बैट्समैन अभी टीम के लिए? वो तो बोनस होता ही, जैसे मान लीजिए कि जो ऑलमोस्ट दो सिमिलर टीम है तो उसमें डिफरेंस जो क्रिएट करता है जो बैट्समैन है, रन बनाएगा विकेट लेगा बॉलर्स, मगर जो मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर जो ऑलराउंडर या विकेट कीपर या बैट्समैन जो बॉलर जो बैटिंग कर सकता है थोड़ा, उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है कि मान लीजिए कि जो लास्ट के 5 विकेट या 4 विकेट अगर 80 या 100 रन का पार्टनरशिप उसमें ऐड होता है तो टीम के लिए वो बहुत ही बोनस होता है, बॉलर्स को थोड़ा कुशन मिलता है कि ज्यादा रन का, तो उसमें कीपर्स का भी पार्ट रहता है कि नंबर 7 से लेके 11 तक अगर कीपर अगर कोई अच्छा बैट्समैन है या बॉलर्स के साथ खेल पाता है तो उसमें टीम भी मतलब ज्यादा लंबा ऐसे नहीं कि 6 विकेट चला गया तो उसका मतलब कि आधा घंटे में ऑल आउट हो जाएगा, ऐसे भी नहीं। राइट और एक चीज जो खासकर T20 में काफी आजकल आई वांट योर ओपिनियन ऑन दिस कि बैट्समैन जो थोड़ा बहुत कीपिंग करते हैं वो कीपिंग कर रहे हैं, इसमें बाय एनी चांस आई एम नॉट इंक्लूडिंग केएल राहुल क्योंकि मुझे लगता है केएल राहुल इज अ गुड विकेट कीपर, उसके बारे में आपसे बाद में पूछूंगा, मुझे ऐसा लगता है, मैं केएल के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कुछ और ऐसे हमने देखा जैसे पीछे केदार ने किया था कीपिंग, रॉबिन ने काफी साल कीपिंग किया है ना, तो उस ट्रेंड एक ट्रेंड दिख रहा है ऐसा कि हो रहा है, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं हमेशा हमेशा मानता हूँ कि कोई भी फॉर्मेट में अगर एक मेन कीपर रहता है तो वो बहुत डिफरेंस क्रिएट कर सकता है, वो तो टेस्ट में वनडे में है ही, मगर शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट में भी मान लीजिए कि T20 में पूरे 120 बॉलों में से 8 या 10 बॉल ही आता है, मगर वो जो 8-10 बॉल आता है वो बहुत वाइटल होता है, उसमें अगर 2 कैचिंग या स्टंपिंग का चांस आता है, अगर जो मेन कीपर रहता है वो अगर कन्वर्ट करता है आउट में, या जो रेगुलर कीपर नहीं है वो अगर कहीं नहीं कर पाता है तो वो पार्टनरशिप या वो टीम के हार गए या हारने में जीतने में वो मतलब चेंज हो सकता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि कीपर्स जो अच्छा बैटिंग करता है वो ज्यादा मैं प्रेफर करूंगा, ऐसा नहीं कि जो पार्ट टाइम कीपर है वो खेले पहले। जो मुझे एक चीज लगता है कि हम शायद कीपिंग के बारे में कम बात करते हैं, खासकर टेक्निक के बारे में, जो मैं 30 साल पहले जो सुनता था अभी भी वही सुनता हूँ, सॉफ्ट हैंड्स हार्ड हैंड्स फुटवर्क वगैरह, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हम कम बात करते हैं कीपिंग के बारे में और टेक्निक कीपिंग टेक्निक के बारे में? हाँ वो थोड़ा बात कम होता है 100%, और अगर जितना बात होगा उतना कल्चर पैदा होगा कीपर्स में कि ये करने से ये होता है तो मैं ये करके देखता हूँ, उसके बाद भी अगर और भी कोई जगह रहता है उसको और इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए वो बात करने के बाद ही वो मतलब इम्प्रूव हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो कोच है वो जाके सीधा बात किया मगर उसमें उसका इंटरेस्ट ही है नहीं तो वो इस कान से लेगा उस कान से निकाल देगा, तो उसमें उसका फायदा है ही नहीं, उल्टा नुकसान ही है। राइट तो मैंने कुछ चीजें लिखा हुआ है यहाँ पे उन चीजों के बारे में जो फ्रेजेस यूज होते हैं अमूमन कोचेस वगैरह जो फ्रेज यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपसे जानूंगा। सबसे पहला है क्राउच करना, आपने भी छोड़ दिया फास्ट बॉलर पे, आप भी क्राउच नहीं करते, काफी कीपर्स नहीं कर रहे हैं, कितना जरूरी है क्राउच करना आपके हिसाब से? हर एक का कीपिंग स्टाइल डिफरेंट रहता है तो मैं वही बिलीव करता हूँ कि अगर स्टाइल डिफरेंट हो मगर पकड़ने का टाइम में अगर आप बॉल जब आ रहा है आपके पास तब तो अगर प्रॉपर क्राउच पोजीशन में जाके या कितना लो में जाके बॉल पकड़ते हो तो वो आपका स्टांस कैसे भी हो या टेक्निक कैसे भी है वो पॉसिबल है पकड़ना। स्टांस में बिल्कुल नीचे बैठना, जैसे पहले बताते थे ना कि नीचे बैठना है जमीन में, आपके हिसाब से वो कितना जरूरी है? जैसे अभी भी मैं जब मैं बचपन में करता था तो मैं सेम करता था मगर मैं वो चेंज किया ऑलमोस्ट अंडर 22 के टाइम से, अगर मान लीजिए कि बॉल एज हुआ वो फर्स्ट स्लिप के सामने गिर रहा है तो मैं अगर बैठे बैठे तो डाइव कर नहीं सकता, मुझे उठ के फिर डाइव लगा के नीचे ही जाना है,
तो इसको चेंज करके ऐसा ही कर सकते कि ऊपर खड़े होके मैं बेस अपना लो किया ऑलमोस्ट बॉल के हाइट के हिसाब से, और पैर बेंड, ऐसे नहीं कि एकदम स्ट्रेट, तो मैं बॉल के हिसाब से मैं उठ भी सकता हूँ, नीचे भी जा सकता हूँ, तो उसमें मेरा फ्रैक्शन टाइम सेव हो रहा था। तो उसके बाद से मैं वो ही चालू किया, और मैं जो अभी भी कोई भी कीपर्स को बोलता हूँ कि अगर कोई ऐसा कर पा रहा है कि उठ के फिर से नीचे जाना, तो वो ठीक है, मगर ऐसे कंपलसरी नहीं कि आपको खड़े होके या बेंड होके करना है। और एक चीज अमूमन सुनने को मिलता है, हार्ड हैंड्स, कि इसके हाथ बहुत सख्त हैं। हाँ, तो वो थोड़ा बताएं कि उसको किस नजरिए से आप देखते हैं, और कैसे हार्ड हैंड्स होते हैं, लेकिन उसको कैसे आप किस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं या क्या करते हैं? मतलब हार्ड हैंड्स मेरा भी बचपन में था, मगर मैंने उसके ऊपर सुनने, जो मेरा जो कोच है भाई, मतलब जयंत भूमि, वो भी बोलता है कि हार्ड सॉफ्ट होना चाहिए, मगर कैसे होना चाहिए वो खुद बैट्समैन है तो करके दिखा नहीं पा रहे थे। तो एक बार ऐसे हुआ कि सबा करीम का एक 6 या 7 दिन का सिलीगुड़ी आए थे, तो 3 4 दिन का एक कैंप हुआ था, तो उधर जाके मैंने एग्जैक्ट जो वर्ड का मीनिंग है वो समझा, और उसके बाद से मैं खुद अपना वो चालू किया कि बॉल को रिसीव कैसे करना है और कहाँ से रिसीव करना है, तब जाके सॉफ्ट हैंड का पॉसिबल है। ऐसे नहीं कि हर एक का टेक्निक सेम है, बहुत सारे का हैंड हार्ड है मगर बॉल फंबल नहीं होता है, राइट। और एक चीज जो रिसीविंग आपने कहा गिव का, ये एक नया खासकर रिसीविंग। एमएसजी से शुरू हुआ है, रिसीव करना। तो एमएसजी तो रिसीव नहीं करते, राइट? मैंने ऑफ हाँ। लेट काफी काफी बच्चों को देखा है, कीपर्स को देखा है, जब मैं उनसे उनके साथ काम करता हूँ, कि उनको भी वैसे ही करना है जैसे एमएसजी करते हैं, कि बॉल पकड़ा और स्टंप उड़ा दिया। लेकिन एकदम उसके लिए तो यू नीड टेक्निक, जैसे आपने एक्सपीरियंस कहा एक्सपीरियंस भी चाहिए, और एक्सपीरियंस। हाँ कि पहले से पता होना चाहिए कि बॉल उधर ही आ रहे है, और मतलब बाई बाई करने के बाद, इतने सालों करने के बाद, जैसे जैसे बॉलर्स को पता है कि बॉल उधर ही आएगा, तो वो उनका नेचुरल टैलेंट है कि वो रिसीव नहीं करते, उधर से डायरेक्ट मार देते हैं। चलो, और फुटवर्क, मेरा ये मानना है कि फुटवर्क उतना ज्यादा जरूरी नहीं है कीपर्स के लिए जितना लोग कहते हैं। आपकी क्या राय है अबाउट फुटवर्क? मैं सेम, क्योंकि कीपर्स के लिए फुटवर्क 1 या 2 स्टेप ही चाहिए, उससे ज्यादा फुटवर्क आप क्या करोगे, चौथे स्लिप का तो बॉल आप पकड़ नहीं सकते हो उतना तेज में। तो फुटवर्क के लिए 1 या 2 स्टेप, मगर वो कितना क्लीन और इम्पैक्ट कम हो उतना अच्छा है। सिंपल सिंपल सा लॉजिक या थ्योरी है कि कीपर्स को कैसे भी करके बॉल पकड़ना है, जितना आप सोचोगे ऐसे पकड़ना है वैसे पकड़ना है, उससे ज्यादा सिंपल सोचोगे ये बॉल मुझे पकड़ना है कैसे ही पकड़ो, और स्टंप का अगर मौका आए तो स्टंपिंग कर दो, सिंपल। क्या आपको लगता है कभी कभार के कीपिंग कोच होना जरूरी है? नहीं, 100% मुझे लगता है कि एक कीपिंग कोच अगर रहता है, मगर जैसे कीपर्स को जो थियोरेटिकल वाइज पता है और जो प्रैक्टिकल वाइज कीपर्स को पता है, अगर वही सेम बॉलिंग कोच या बैटिंग कोच, वो सेम चीज बता नहीं पाएंगे, वो सिर्फ जो बेसिक वाला जो बुक में लिखा है वैसे ही बता पाएंगे कि बॉल के साथ कैसे उठना है या रिसीव करना है वैसे, मगर वो कैसे करके दिखाना है या मैच में कैसे कैसे पोजीशन आते हैं, जो उन लोगों को शायद प्रॉपर 100% पता नहीं होगा, जो कीपर्स को पता है, तो वो अगर मतलब कोई अगर कीपर कोच या कंसल्टेंट या कुछ भी, अगर 2 4 दिन का भी मौका मिले, तो ऐसे हर एक एज ग्रुप में होना चाहिए कि कीपर्स लोग उनके साथ बात करें या कोई 10 12 क्लासेस करे, हर एक का प्रॉब्लम या जो प्लस पॉइंट है वो दिखा दे। और एक कीपर्स का एक बहुत बड़ा काम बढ़ गया, वो है डीआरएस का, राइट? हाँ तो किस तरीके से देखते हैं, इज इट लाइक एक थोड़ा सा अलग, क्योंकि आप काफी मैचेस खेल चुके हैं जहां पे डीआरएस है, इज इट लाइक एक्स्ट्रा काम या एक्स्ट्रा प्रेशर की नहीं, भैया मुझे देखना भी है कहाँ पैड पे लग रहा है एंड ऑल दैट, किस तरीके से आप डीआरएस को देखते हैं? प्रेशर तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर अगर आप डीआरएस के लिए प्रेशर लोगे तो प्रॉपर बॉल जो आपके पास आ रहा है वो फंबल हो सकता है या मिस हो सकता है, तो डीआरएस उसके बाद वाला ऑप्शन है, उससे पहले से आप फोकस अगर बॉल पकड़ने में लगाओगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम लोगों का टीम जैसे है कि डीआरएस में आपका जो प्रॉपर व्यू आपको लगा वो आप बताओ, बॉलर्स भी अपना व्यू बताएंगे, मगर कैप्टन डिसाइड करेगा कि किसका बात में वो सहमत है। क्या कीपर प्रैक्टिस कर सकता है डीआरएस के बारे में? नहीं हमेशा, क्योंकि जैसे मैं वैसे मैं करता भी हूँ ऐसे ही, जैसे मान लो कि मैं नेट में, मेरा बैटिंग बाद में है, तो उस टाइम में मैं नेट के पीछे खड़ा रहता हूँ, और उसके बाद स्पिनर्स भी या पेसर कोई भी डालता है तो
मन ही मन मेरा डिसीशन या पिचिंग या ये आउटसाइड लेग या आउटसाइड पिचिंग इम्पैक्ट बाहर, तो वो दिमाग में थोड़ा चलाता हूँ। इवन मैच में भी जब मैं कीपिंग करता हूँ तो पेसर या स्पिनर्स के टाइम में मैं ऑफ स्टंप और लेग स्टंप का एक वर्चुअल लाइन क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये लाइन में वो स्पॉट है, ये लाइन लेग स्टंप में वो स्पॉट है, बॉल अगर पिच करेगा इसके इधर उधर या इम्पैक्ट करेगा तो मुझे मतलब एक सेकंड लगेगा कि इम्पैक्ट वाला जगह और वो स्पॉट देखने में कि कौन सा लाइन में इम्पैक्ट हुआ या लगा बॉल। अच्छा, अब बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। एक्सपीरियंस हो गया, हाउ डू यू सी योरसेल्फ नाउ गोइंग फॉरवर्ड? जैसे आपने कहा कि अभी भी आपको लगता है आप खेल सकते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में भी, तो किस तरीके से अपने आपको देखते हैं, कहाँ आप बेस्ड हैं और फ्यूचर कैसे देखते हैं? एक तो कि मैं बहुत ज्यादा पीछे का मतलब क्या होने वाला है वो सोचता नहीं हूँ, और मतलब मान लीजिए कि आज से 6 महीने या 1 साल बाद क्या करूँगा वो भी पहले ही बता दिया कि मैं सोचता नहीं, जो सामने आने वाला है उसका सोचता हूँ। तो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया सीरीज के बारे में मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, तो अच्छा। उसके लाइफ के बाद या क्रिकेट के बाद क्या होगा वो अभी तक मैंने सोचा नहीं है, मगर अभी जो IPL सामने होने वाला है उसके बारे में मेरे दिमाग में है। ऐसे भी नहीं कि पहला मैच किसके है उसके लिए सोच रहा हूँ, तो उधर जाके प्रैक्टिस करूंगा। तो वैसे मतलब दिमाग के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता हूँ मैं कोई भी, मतलब लाइफ में भी और क्रिकेट में भी। बात करते हैं थोड़ी सी कंपटीशन की, क्योंकि इस वक्त आप हैं, ऋषभ है, केएल भी उसमें है, बीच में बात आ रही है कोना भारत की भी जो अभी तक नहीं है बट टेस्ट स्क्वाड में थे, ही वाज पार्ट ऑफ इट। किस तरीके से आप देखते हैं कंपटीशन को या इन इन सब को? कंपटीशन वाइज मैं मतलब जब उससे पहले पार्थिव डीके भी था, माही भाई भी थे, तो तभी कभी भी मैंने ऐसे नहीं सोचा है कि मुझे कोई भी टूर्नामेंट या कोई भी मैच में अच्छा करना है, पार्थिव को बीट करना है या दिनेश को बीट करना है या माही भाई को बीट करना है। ऐसे नहीं कि मैं मैच में जाता था टीम के लिए जितना चाहिए, उसके बाद अगर मुझे परफॉर्मेंस अच्छा हुआ वो सिलेक्टर का काम है, मेरा काम सिर्फ करते रहो परफॉर्मेंस करते रहो। और कंपटीशन वाइज ऐसे सोचा नहीं कि पहले भी बताया कि मैं अगर मैं टीम में हूँ मैं खेल रहा हूँ तब ठीक है, अगर नहीं खेल रहा हूँ ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जो खेल रहे वो खराब करे ताकि मौका मुझे मिले, तो मेरा थिंकिंग वैसा नहीं है। और साथ में प्रैक्टिस का जैसे बोला वैसे कोई नेक्स्ट जनरेशन विकेट कीपर जो आपको लगा हो कि नहीं अच्छे विकेट कीपर्स जो हैं आ रहा है नेक्स्ट स्लॉट ऐसा कुछ? एक्चुअली देखा जाए कि रिसेंट टाइम में 1-2 साल में वैसे मैचेस मैंने देखा नहीं है कि अपकमिंग जो मेरे साथ वो कोना था न्यूजीलैंड टूर में, वेस्ट इंडीज टूर में, तो उसमें ही मुझे पता है कि हाँ वो उसके अंदर पोटेंशियल है कि अच्छा करने का, तो वो कर रहा है। और वो बाकी छोड़ के अंडर 19 या कोई डोमेस्टिक में विकेट कीपर वो मुझे पता नहीं है सच में। राइट, अच्छा आखिरी क्वेश्चन, और ये मुझे लगा है और मैं ये आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आप वो इंट्रोवर्ट जैसे हैं, कम बोलते हैं, राइट, क्या ये एक डिसएडवांटेज है आज के दुनिया में कम बोलना, सोशल मीडिया कम रहना या मीडिया के साथ कम बात करना, इज दैट अ डिसएडवांटेज कभी कभार? मुझे ये लगता है कि ये मतलब इंडिविजुअल चॉइस या इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई कम बोलता है मगर जब परफॉर्मेंस के टाइम आता है या अच्छा करने का टाइम आता है वो करके देता है, तो उसमें किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। या कोई ज्यादा बोलता है मगर वो भी परफॉर्मेंस करके देता है, तो हर एक का मतलब डिफरेंट वो थिंकिंग और सोचने का तरीका है और मतलब अपने अपने लाइफ को देखने का डिपेंड करता है, तो वो मुझे नहीं लगता नहीं कि इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने में कोई फायदा या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। राइट, लवली, थैंक यू सो मच रिद्धि, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और प्लीज डोंट चेंज, जैसे आप हैं वैसे रहें, और वो जो कीपिंग की आपने बात कही प्लीज कीप दैट कॉन्वर्सेशन गोइंग, क्योंकि जरूरत है कि हम ज्यादा से ज्यादा बात करें कीपिंग के बारे में, जितना मतलब उसमें कीपर्स को भी मतलब एनकरेज करने के लिए, या कीपर्स भी अगर एनकरेज खुद होके हम लोगों के पास आएंगे तो ज्यादा मतलब जितना चैट होगा या डिस्कशन होगा उतना अच्छा मतलब टॉपिक निकल सकता है। राइट, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट IPL के लिए, और अभी आप आई नो यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट,
बट ऑल द बेस्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया सीरीज. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू.